सबसे पहले मैंने कॉफी पाउडर को तीन अलग अलग हिस्सों में रख लिया है। इससे हम लाइट, मीडियम और डार्क कलर बनाएंगे। अब मैं कॉफी की हेल्प से आज के सुपर हीरो हमारे साइंटिस्ट सोनम वांगचुक का पोर्ट्रेट बनाने जा रही हूँ। चुक का जन्म 1 सितंबर 1966 लेह लद्दाख में हुआ था। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और फादर एक पॉलिटिशियन थे। वो कोई भी फॉर्मल स्कूल में नहीं गए थे क्योंकि उनके विलेज में कोई भी स्कूल नहीं था। उनकी माँ ही उनकी टीचर थी। बेसिक्स उन्होंने अपनी माँ से अपने ही लैंग्वेज में सीखी। सोनम वांग्याल श्रीनगर में पॉलिटिशियन थे, इसलिए 9 सालों के बाद उनका एडमिशन श्रीनगर के एक स्कूल में हुआ। वहाँ वांगचुक सर को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस समय को वो अपने लाइफ का डार्केस्ट फेज मानते हैं क्योंकि उनका लुक्स श्रीनगर के लोगों से थोड़ा अलग था और उन्हें श्रीनगर की भाषा भी समझने में प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते थे। वहाँ के लोगों का ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं हुआ, तब वो 11 साल की उम्र में दिल्ली चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी प्रॉब्लम विशेष केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को बताई। तो जब बात की जाए इनके हायर स्टडीज़ की, तो वांगचुक सर ने अपनी बीटेक की पढ़ाई देश के टॉप कॉलेज NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर से की, क्योंकि इनके और इनके पिता के इंजीनियरिंग चॉइसेस में डिफरेंसेस होने के कारण इनको अपने पढ़ाई के लिए खुद ही फाइनेंस मैनेज करना पड़ता था। और ईयर 2011 में ये फ्रांस अर्दन आर्किटेक्चर्स पढ़ने भी गए। बचपन में लद्दाख में इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स फेस किए थे, वो नहीं चाहते थे कि वहाँ का कोई भी बच्चा इस प्रॉब्लम से गुजरे। इसलिए ईयर 1988 में अपने भाई और 5 दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने सेकमॉल, मतलब स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। सोनम वांगचुक सर एक इंजीनियर ही नहीं, एक एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट भी है। लद्दाख रीजन में सेकमॉल की स्थापना से पहले 5% लोग ही सिर्फ 10th बोर्ड पास कर पाते थे, क्योंकि लद्दाख रीजन में जो भाषा बोली जाती है उनके बुक्स अलग ही लैंग्वेज में होते थे। इसलिए सोनम वांगचुक सर ने सबसे पहले बुक्स को वहाँ की भाषा में ट्रांसलेट करवाया और उन्हें थ्योरेटिकल के बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हैं। और आज लद्दाख की पासिंग परसेंटेज 75% से ज़्यादा है, इंडिया के एवरेज पासिंग परसेंटेज से ज़्यादा, और इनका सबसे ज़्यादा श्रेय सोनम वांगचुक सर को जाता है। सेकमॉल एक इकलौता ऐसा स्कूल है जिसे बच्चों ने ही डिज़ाइन किया है, बच्चों ने ही बनाया है और आज चला भी वही रहे हैं। यहाँ फैकल्टीज भी बहुत कम होते हैं, यहाँ बच्चे पार्टी भी बनाते हैं, हमारी कंट्री की तरह यहाँ भी इलेक्शंस होते हैं। सेकमॉल सिर्फ स्कूल नहीं है इनका, यह उनका घर भी है। यहाँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, खेतों में फल सब्जियाँ उगाने से लेकर गाय पालने तक बच्चे खुद हर काम करते हैं। बीच में चलती है उनकी अलग अलग क्लासेस, बच्चे जब जो पढ़ना चाहते हैं वही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर आने वाले बच्चे ज़्यादातर लद्दाख के दूर दराज के गाँव से होते हैं, जिन्होंने कभी सिटी लाइफ देखी ही नहीं है। स्टार्टिंग में इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे होते हैं वो दूसरे लैंग्वेज में पढ़ते हैं और उन्हें समझ में नहीं आती। पर बाद में कुछ दिनों बाद ही उनमें वो कॉन्फिडेंस लौट आता है, क्योंकि सोनम सर थ्योरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को जल्दी समझ में आता है और वो चीज़ें लंबे समय तक याद रख पाते हैं। सोनम वांगचुक सर ये मानते हैं कि बच्चे फेलर कभी नहीं होते, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। सेकमॉल को जुलाई 2016 फ्रांस में इंटरनेशनल टेरा अवार्ड फॉर द बेस्ट बिल्डिंग का अवार्ड अर्दन आर्किटेक्चर में दिया गया है। यह बिल्डिंग सिंपल, लो कॉस्ट, ट्रेडिशनल टेक्निक्स और सोलर एनर्जी का यूज़ करके बनाया गया है। इवन -30 डिग्री सेल्सियस इन विंटर यह स्कूल स्टूडेंट्स के लिए गर्म होता है। सेकमॉल में हर चीज़ बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाती है। इस काम में मदद के लिए अब देश और दुनिया भर से यहाँ वॉलेंटियर्स आ रहे हैं। यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं सीखते, उनके खेलकूद पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। देश की महिला आइस हॉकी टीम में आधी से ज़्यादा लड़कियाँ इसी स्कूल से हैं। सेकमॉल में दूध की सप्लाई के लिए गायें भी पाली गई हैं, जिनके रख रखाव, साफ सफाई के लिए स्टूडेंट्स की ही ड्यूटी लगती है।
इनके शेड्स को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये पूरे विंटर्स के मौसम में भी अंदर से गर्म होते हैं। जहाँ इतने लोग रहते हैं वहाँ के किचन में भी काम बच्चे ही करते हैं, बच्चों की ड्यूटी यहाँ भी लगती है। यहाँ खाना बनाने के लिए सोलर रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है जो सूरज की डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम जितना नेचुरल मटेरियल्स का यूज़ करेंगे हमारे हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ की जो बिल्डिंग्स बनी है वो मिट्टी को आधुनिक तरीके से यूज़ करके बनाई गई है। लद्दाख जैसे ठंड एरियाज़ में सोलर टेक्निक्स का यूज़ करके धूप से ही यहाँ हीटिंग होती है। 1993 में सोनम वांगचुक सर ने लद्दाख में लद्दाख मेलोंग नाम की इकलौती प्रिंट मैगजीन की स्थापना की और लगातार 8 सालों तक एज एन एडिटर भी काम किया। इसके बाद वो काफ़ी संस्थानों से जुड़े। ईयर 2002 में ये एनजीओ हेड्स के साथ जुड़कर इन्होंने लद्दाख वॉलेंट्री नेटवर्क LVN की शुरुआत की। 2004 में इन्हें लद्दाख हिल काउंसिल गवर्नमेंट के ड्राफ्टिंग कमेटी में अपॉइंट किया गया। 2013 में इन्हें जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपॉइंट किया गया। जम्मू एंड कश्मीर में जो भी एजुकेशन पैनल में चेंजेस होते हैं उसके लिए इनकी राय जरूर ली जाती है। सोनम वांगचुक सर ये जानते थे कि अगर लद्दाख को डेवलप करना है तो सबसे पहले ये वहाँ की पानी के क्राइसिस को सॉल्व करना होगा। लद्दाख में लोगों को पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अप्रैल और मई के मंथ में फेस करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने 2014 में आइस स्तूपा का निर्माण किया। विंटर्स के दिनों में पानी जब उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती तो इन स्ट्रीम्स को अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू एक झरने से कनेक्ट किया जाता है। अंडरग्राउंड होने के कारण वाटर पाइप्स में फ्रिज नहीं होती, पर जब इन्हें झरने से वाटर के प्रेशर डिफरेंसेस के कारण रिलीज़ किया जाता है तब ये फ्रिज होकर कोनिकल शेप में बेबी ग्लेशियर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे अप्रैल में वहाँ के लोग फार्मिंग और अपनी ज़रूरत के चीज़ों में यूज़ करते हैं। लद्दाख जैसे ठंड रीजन में जहाँ किसी आम इंसान के लिए रहना ही काफ़ी मुश्किल है, वहाँ हमारे सैनिक लड़ाई करते हैं, हमारे देश को दुश्मनों से बचाते हैं। उनको ध्यान में रखकर सोनम वांगचुक सर ने अभी रिसेंटली ही सैनिकों के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट बनाया है। इस टेंट को सस्टेनेबल तरीके से बनाया गया है। अगर बाहर टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस है तो ये अंदर का तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच में रखता है। इनके और भी कई इनोवेशंस अभी चल रहे हैं। सोनम वांगचुक सर के नाम पर कई अवार्ड्स हैं जिनमें से एक है रमन मैग्सेसे अवार्ड्स, जो कि उन्हें 2018 में लद्दाखीज के लाइफ अपॉर्चुनिटीज़ को बदलने के लिए दिया गया था। ऐसे ही साइंटिस्ट हमारे देश का फ्यूचर है। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सोनम वांगचुक सर को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाए। ऐसे ही स्टोरीज और अलग अलग ड्राइंग्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में आप और किन के बारे में जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।